हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी और स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल जिसका नाम है सिविल वुड। हेलो लर्नर्स, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैली कर्व के बारे में बताया था, उसको कैसे डिजाइन करना और किस किस वजह से डिजाइन करना वो भी मैंने आपको सिखाया था। तो आज हम लोग उसे डिजाइन करने वाले हैं। तो आज एक क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, अ वैली कर्व इज फॉर्म्ड बाय अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1:25 मीटिंग एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1:30। वैली कर्व कैसे बनता है? एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट जब असेंडिंग ग्रेडियंट को मीट करते हैं, तो क्या हो रहा है? डिसेंडिंग ग्रेडियंट इज मीटिंग एन असेंडिंग ग्रेडियंट। डिसेंडिंग ग्रेडियंट का वैल्यू क्या है? 1:25 और असेंडिंग ग्रेडियंट की वैल्यू है 1:30। ठीक है, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ठीक है, तो अब हमें बोला गया है कि डिजाइन द लेंथ ऑफ वैली कर्व, मतलब लेंथ ऑफ वैली कर्व हमें निकालनी है टू फुलफिल बोथ कंफर्ट कंडीशन एंड हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंडीशन। ठीक है, तो अब हम लोग वैली कर्व किस लिए डिजाइन कर देते हैं? एक कंफर्ट कंडीशन से के लिए और एक हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए। तो दोनों के लिए हमें लेंथ निकालने को बोला गया। ठीक है, और दिया गया हमें, मतलब हेडलाइट साइड डिस्टेंस निकालनी है फॉर अ डिजाइन स्पीड। हमें डिजाइन स्पीड दे दी गई है 80 किलोमीटर पर आवर और बोला गया है अज्यूम अलाउबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन एज 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब। हम जानते हैं अगर ये हमें नहीं भी बोलता तो हम 0.6 ही लेते सी को। मैंने आपको बता ही दिया था कि हमेशा ये 0.6 ही होगा अगर क्वेश्चन में कोई और वैल्यू ना बोला गया हो तो। तो अब करते हैं हम इसका डिजाइन। उससे पहले आप देख लो कि हमें डिजाइन तो करनी है, जब हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए हम लोग जब डिजाइन लेंथ निकालेंगे तो हमें SSD की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमें SSD दिया नहीं है, तो हम SSD पहले से निकाल के आपको दिखा देते हैं कैसे निकालते हैं SSD, आपको पता ही होगा। तो आप देखो SSD इज योर 5/18 टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड, ओके, इनटू रिएक्शन टाइम प्लस 5/18 इनटू वी स्क्वायर बाय 2gf प्लस माइनस n। सब आपको पता ही है, मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा। लास्ट लेक्चर में जब सबमिट कर भी कराई थी तो मैं आपको SSD निकाल के बताया था, या फिर मेरे SSD जो फर्स्ट लेक्चर है जो SSD के ऊपर है आप उसे देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा। तो अब SSD निकालते हैं। 5/18 इंटू वी विच इज गिवन एज 80 किलोमीटर पर आवर, 80। रिएक्शन टाइम हमें पता है फॉर SSD इट इज 2.5 सेकेंड्स, ओके। 5/18 इंटू वी विच इज 80 का होल स्क्वायर बाय 2 जी सी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एफ होती है आपकी कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ओके, और इसकी वैल्यू जो होती है स्टैंडर्ड वैल्यू 0.35 होती है, और एन होता है आपका ग्रेडियंट। तो मैंने आपको समिट कर्व में भी बताया था कि जब वर्टिकल कर्व होती है, मतलब एक डाउनवर्ड ग्रेडियंट एक अपवर्ड ग्रेडियंट को मीट कर रहा, मतलब एक साइड डाउनवर्ड ग्रेडियंट है एक साइड अपवर्ड ग्रेडियंट है, समिट कर्व में एक अपवर्ड ग्रेडियंट डाउनवर्ड ग्रेडियंट को मीट कर रही है, तो हम उस ग्रेडियंट को नेगलेक्ट कर देते हैं जो SSD में लगता है, उस ग्रेडियंट को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम ग्रेडियंट के वैल्यू को यहाँ 0 मान सकते हैं। तो यहाँ से जो आएगा आपका SSD वो होगी 127.3 मीटर, ओके। तो हमने SSD निकाल लिया। अब जो पहले हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया था, डिजाइन द लेंथ ऑफ वैली कर्व फॉर कंफर्ट कंडीशन, तो अब देख लेते हैं कंफर्ट कंडीशन के लिए लेंथ ऑफ वैली कर्व। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ आप वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो और फिर मिला लो कि आपने सही किया है कि नहीं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे साथ बढ़ते चलो। फॉर कंफर्ट कंडीशन, तो कंफर्ट कंडीशन के लिए लेंथ हमें निकालनी है, इसका वैल्यू था 2nvq/c करूट,
ओके तो अब वैल्यू को पुट करते हैं टू एन, अब एन कितनी है तो एन देख लो आप, एक है 1 in 25 मीटिंग एंड असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 30, तो डिसेंडिंग ग्रेडियंट 1 in 25 है और असेंडिंग ग्रेडियंट 1 in 30 है, तो एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल्स टू 1 in 25 जो डिसेंडिंग है तो माइनस माइनस 1 in 30 जो असेंडिंग है तो प्लस में ही होगा, तो दिस माइनस 1/25 प्लस 1/30 विच विल कम एज माइनस 11/150, तो ये आपका 11/150 आएगा यहां से। अब देखो यहाँ साइन जो माइनस है उस मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इसे हम लोग कंसीडर नहीं करते डेविएशन एंगल में, सिर्फ इस मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। ओके तो हमारा एन निकल गया, तो एन है आपका 11/150, वी वी आपकी दी गई है 80 किलोमीटर पर आवर, इसे पुट करते हैं, हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करनी होगी, 80 × 5/18 का होल क्यूब और डिवाइडेड बाय सी, सी सी यहाँ दिया गया 0.6, ऐसे भी 0.6 ही होता है, 0.6 को पुट करेंगे तो यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी इतनी, तो यहाँ जो आपका 1/2 ओके रूट होगा इसका ये वैल्यू, तो ये होगी आपकी 73.1 मीटर। ओके तो फॉर कंफर्ट कंडीशन इस फॉर्मूले से जो निकला वो होगा 73.1 मीटर। अब सेकंड कंडीशन जिसके लिए निकालने को बोला गया है वो है हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए। ओके अब देख लेते हैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं लेंथ को, फॉर हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला था वो था एल इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर बाय 2 एच प्लस एस टेन अल्फा। ओके यहाँ एन था आपका डेविएशन एंगल जो कि सेम रहेगा 11/150, एस है आपका एस एस डी जो हम लोगों ने अभी निकाला विच इज 127.3, हियर एच इज योर हाइट ऑफ हेडलाइट जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो है 0.75, ऐसे है आपका एस एस डी यहाँ पर, और अल्फा इज योर बीम एंगल विच इज टेकन एज 1 degree। ओके अब इसे पुट करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू कितनी होगी, तो एन इज योर 11/150, एस जो आपका निकला 127.3 square by 2, एच इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू इज 0.75, मतलब हाइट ऑफ द हेडलाइट होती है 0.75 मीटर ऊपर रोड से, एस है आपका एस एस डी विच इज 127.3, अल्फा इज योर बीम एंगल विच इज टेकन एज 1 degree। तो यहाँ सब वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 199.5 मीटर। अब आप देखो हम लोग यहाँ क्या माने थे पहले, इसे करने से पहले, दैट इज लेंथ इज ग्रेटर देन एस एस डी। ओके तो अब देखो यहाँ से हमारी जो लेंथ आई वो ग्रेटर देन एस एस डी, एस एस डी इज योर 127.3, तो यहाँ आपकी लेंथ इज ग्रेटर देन 127.3 विच इज एस एस डी, तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा, तो आपका डिजाइन यही खत्म हो जा रहा और लेंथ आपकी निकल जा रही 199.5। बट अगर लेंथ जो यहाँ निकलती वो लेस देन 127.3 होती तो हमें दूसरे फॉर्मूले के लिए जाना चाहिए था, और हम उसमें अज्यूम करते लेंथ इज लेस देन एस एस डी और फॉर्मूला अप्लाई करते एल इज इक्वल टू 2s − 2h + h tan α/n, और यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, यहां से जो एल निकलती वही हमारा लेंथ ऑफ वैली कर्व होता फॉर हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंडीशन। बट यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम यही खत्म हो जाती है और हेडलाइट साइड डिस्टेंस का जो लेंथ निकलेगा वो होगा 199.5 विच कैन बी टेकन एज 200 मीटर। ओके तो यहाँ ही आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है।
आपको इस कंडीशन के लिए जाने की जरूरत ही नहीं। अगर वो होता लेंथ लेस देन होती तब हम लोग इस कंडीशन के लिए जाते। ओके, तो अब आप देखो कंफर्ट कंडीशन के लिए हमारी लेंथ निकली 73.1 मीटर और हेडलाइट एडजस्टेंस के लिए निकली 200 मीटर। तो हम लोग कौन सा प्रोवाइड करेंगे लेंथ, तो ग्रेटर होगा। तो दिस इज आवर लेंथ ऑफ वैली कर्व। ओके, दिस विल बी द लेंथ ऑफ वैली कर्व बिकॉज इट इज ग्रेटर, इट विल सेटिस्फाई बोथ हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंडीशन एज वेल एज फॉर कंफर्ट कंडीशन। तो ये दोनों को ही सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि कंफर्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें लेंथ चाहिए थी 73.1 मीटर, तो हम उससे ज्यादा दे रहे हैं, तो कंफर्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा ही होगा और हेडलाइट साइड डिस्टेंस भी हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमें 200 मीटर चाहिए था और हम वो प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा प्रॉब्लम और ये थी हमारी आज की सोल्यूशन। तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करना ना भूले वीडियो को, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मेल दे, वहां भी मुझे मेल करके बता सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा और आपको लगता मैं आपकी स्टडीज में आपको हेल्प कर सकता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।